की बैक सीट पर अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं तो जरा सावधान हो जाइए। दिल्ली समेत कई राज्यों की ट्रैफिक पुलिस ने इसके लिए चालान काटने शुरू कर दिए हैं। किसी कार की सीटिंग कैपेसिटी पहले से तय होती है और उसी के हिसाब से सीट बेल्ट दी गई होती है। मसलन 4 सीटर कार में 4 सीट बेल्ट होंगी, 2 आगे की सीट के लिए, 2 पीछे की सीट के लिए। आमतौर पर पीछे की सीट पर 2 के बजाय लोग 3-3, 4-4 लोगों को बैठा लेते हैं, लेकिन सीट बेल्ट्स तो केवल 2 पैसेंजर्स के लिए ही रहती है। ऐसे में अगर तीसरा शख्स सीट बेल्ट नहीं लगाएगा तो उसका चालान कटना तय है। एक चालान तो सीट बेल्ट ना लगाने का कटेगा और दूसरा क्षमता से ज्यादा सवारी बैठाने का। अगर पीछे बैठी तीसरी सवारी बच्चा है तो उसके लिए भी सीट बेल्ट अनिवार्य की गई है। तो ऐसे में सीट बेल्ट से जुड़े नियम को ठीक से समझ लीजिए। अधिकतर गाड़ियों में पीछे की सीट के लिए बेल्ट तो होती है मगर उसे ना बांधने का रिमाइंडर अलर्ट नहीं बचता। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा था कि बैक सीट पर बेल्ट रिमाइंडर को अनिवार्य बनाया जाएगा। अगर गाड़ी चल रही है तो सभी सीट्स पर बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194B के अनुसार सीट बेल्ट न लगाने पर 1,000 रुपए का चालान कटता है। हालांकि सीट बेल्ट न पहनने पर चालान से जुड़े कई सवाल अभी ऐसे हैं जिन पर स्थिति साफ नहीं है। खबर है कि केंद्रीय परिवहन मंत्रालय इस संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। बच्चों का भी सीट बेल्ट पहनना जरूरी है। एक कंफ्यूजन लोगों में यह भी रहता है कि क्या बच्चों को पीछे बैठाने पर उनके लिए सीट बेल्ट जरूरी है। तो आपको बता दें कि बिल्कुल, बच्चा चाहे आगे की सीट पर बैठा हो या पीछे की सीट पर, उसे सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। प्राइवेट व्हीकल्स में सिक्योरिटी को लेकर बच्चों को कोई छूट नहीं मिलती। सारे ट्रैफिक नियम उन पर भी लागू होते हैं। अगर बच्चा छोटा है तो उसे गोद में बिठाएं और फिर उसे कवर करते हुए सीट बेल्ट लगाएं। सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर पर कटेगा चालान। कई बार ऐसा होता है कि 4 सीटर कार में लोग पीछे की सीट पर 3-3 सवारियां बैठा लेते हैं। ऐसे में वाहन का चालान कटना तय है। व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी से ज्यादा पैसेंजर्स बैठाना ओवरलोडिंग में आ जाएगा। हर एक्स्ट्रा पैसेंजर के लिए 1,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। ऊपर से अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई तो उसका चालान अलग से कटेगा। और अब आखिर में समझिए कि सीट बेल्ट को लेकर इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है। हाल ही में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बताया था कि कार में बैठने वाले सभी लोगों के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा था कि गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के लिए पिछली सीट के लिए सीट बेल्ट अलार्म सिस्टम को अनिवार्य करने की योजना है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद ये जानकारी सामने आई थी कि उन्होंने कार की पिछली सीट पर बैठते हुए सीट बेल्ट नहीं लगाई थी, जो उनकी मौत का कारण बनी। इसके बाद ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस संबंध में ऐलान किया था कि पिछली सीट पर भी सीट बेल्ट लगाने को अनिवार्य किया जाएगा। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।